बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मील प्लैटर। आज हम बना रहे हैं पंजीरी, जो कि सर्दियों का एक खास तोहफा है। चलें स्टार्ट करते हैं पंजीरी बनाना। पंजीरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1.5 कप देसी घी, 3 कप गंदम का आटा, 2.5 कप चीनी, 2 कप भर के कद्दूकस किया हुआ खोपरा, 1 कप भर के चॉप किए हुए बादाम, 1/2 कप चॉप किए हुए पिस्ते, 1/3 कप गोंद। अब हम पंजीरी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर गोंद शामिल कर दें। गोंद को हमने इतना भूनना है कि ये फूल जाए। ये देखें, गोंद आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है। गोंद अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब कढ़ाई में 1.5 कप देसी घी शामिल कर देंगे और घी को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर गंदम का आटा शामिल कर देंगे। आटे को हमने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। आटे को भूनने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं और उस दौरान हमको चमचा चलाते रहना है। पंजीरी सूजी में भी बनती है। सूजी को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो सिर्फ 10 मिनट में ही भुन जाती है। जब हम इसको गंदम के आटे से बनाते हैं तो आटे को भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो गोंद मैंने ग्राइंड की थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। पिस्ता शामिल करेंगे, चॉप किए हुए बादाम और कद्दूकस किया हुआ खोपरा भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें मखानों को भून के और ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं और जो जो नट्स आपको पसंद हैं आप वो भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। पंजीरी रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और मजे की पंजीरी रेडी है। अब इसको सर्दियों में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।